एक बार जरा हम लोग कल यूपीएस वगैरह कलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे, जरा एक बार इसको देखते हैं दोबारा। आज हम लोगों ने इसको थोड़ा एक बार देखेंगे, फिर थोड़ा हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। देखो जरा से क्या है, फ्रुक्टोज का मैंने बताया कि ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट जो है हमने इसके बारे में बात कर ली कि ये पूरा फॉर्मेट जो लिखा हुआ है ये बेसिकली इसका नहीं है, ये हमारा एल्डोज फैमिली का है। इस तरीके से बनेगा, इसमें हम ये दिखाई दे रहा है कि इस बार हमने OH ऊपर ले लिया और CH2OH को नीचे ले लिया, थोड़ा यहाँ देखना है CH2OH को हमने नीचे लिख लिया। केवल सेकंड पोजीशन पे इस बार जरा ध्यान सुनना है, सेकंड पोजीशन पे इस बार कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है। इधर जरा मैं लिख रहा हूं, सिंस फ्रुक्टोज में, फ्रुक्टोज का साइक्लिक फॉर्मेट, जरा यहां देखना है, साइक्लिक फॉर्मेट में C2 का पोजीशन हमारा चेंज हो रहा है, C2 का चेंज हो रहा है, बाकी सब कॉन्स्टेंट है। मान लेते हैं, जरा यहां देखना, मान लेते हैं इसको थोड़ा मैं रफ करके साइड में लिखता हूँ, जरा देखना काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना ठीक है, तब आपको समझ में ये भी आ जाएगा। मान लेते हैं कि C2, C3, C4 और C5, यही हमें देखना बस बेसिकली, ये देखो 1 2 3 4 और 5 ये हमें देखना है। तो मान लेते हैं कि C2 की पोजीशन बदल गई, मान लेते हैं पहली बार में R था, दूसरी बार में S हो गया, बाकी सब में कांस्टेंट है। अगर आप बाकी में बोलना चाहते हो सर S ले लो सब में इस बार, तो ये यहाँ भी S है दिखाई दे रहा है, तो जो ऐसा कन्फिग्रेशन होगा तो बोलेंगे डायस्टोमर है। जब भी साइक्लिक डायस्टोमर होगा तो हमने बताया इसका नाम क्या लिखा होगा, एनोमर। क्या लिखा होगा, एनोमर। जिस यानी हमें आप बोलेंगे जो C2 है वो एनोमर है, जिस कार्बन पे ये एनोमर मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, उसका एनसीईआरटी में नाम लिखा होगा एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन क्या है, डायस्टोमर जहां पे मिल रहा होगा, जिस पोजीशन में मिलेगा उसका नाम उन्होंने रखा होगा एनोमर, और हम बोलेंगे ये एनोमेरिक कार्बन है। एनोमेरिक कार्बन एक वर्ड है जिसको हमने डिफाइन किया है। अब जरा देखो यहाँ पे नाम कैसे इसका नाम रखा होगा, जैसे इसका नाम फर्स्ट वाले का नाम जरा देखो यहाँ पे लिखा होगा अल्फा, जरा प्लीज यहाँ देखना है अल्फा D और माइनस फ्रुक्टोज लिखा हुआ है, सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा D माइनस फ्रुक्टोज लिखा हुआ है। ये नाम कैसे पता चला, पहले माइनस फ्रुक्टोज के बारे में जरा देख लेते हैं कैसे पता चला होगा। इसने क्या किया होगा, एनसीईआरटी वाले ने पहले ही मान लिया है, एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई ने पहले ही कंसिडर कर लिया है कि जो फ्रुक्टोज है बेसिकली दो तरीके का, आप जानते हैं कोई भी कंपाउंड दो तरीके का होगा, कायरल होगा तो एक प्लस और एक माइनस, या एक डी और एक एल, इस तरीके से होगा। इसे मान लिया कि आपको एल माइनस वाला ही लेना है, ग्लूकोज का कौन सा लेना है प्लस वाला लेना है, उसे माना है अपनी मर्जी से, और फ्रुक्टोज के बारे में क्या माना है कि माइनस वाला लेना है, तो माइनस फ्रुक्टोज ये वर्ड है। डी वर्ड कहाँ से आया, ये कॉन्स्टेंट है, डी वर्ड कहाँ से आया, ये कॉन्स्टेंट है। अगर ये भी चेंज किसी बच्चे ने कर दिया तो नाम हो जाएगा एल फ्रुक्टोज, क्या नाम होगा इसका, एल फ्रुक्टोज। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। अब अल्फा और बीटा के बारे में जरा से देखते हैं क्या है, अगर ये दोनों OH किसी भी तरीके से सेम फॉर्मेट में आ जाए, जरा ध्यान सुनना है, ये दोनों OH अगर सेम फॉर्मेट में आएंगे तो इसका नाम होगा अल्फा, और दो OH जरा प्लीज यहां देखना है, ये सब अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे OH अपोजिट, ये अपोजिट OH, जरा देख लो आप, ये सब अपोजिट में आएंगे तो ऐसे वाले को हम बोलेंगे बीटा। तो इस बार का जो OH है वो सब अपोजिट डायरेक्शन में है, और मतलब अल्फा वाले केस में हम देख सकते हैं दोनों OH कैसा है, सेम डायरेक्शन में। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा। तो अब तक की क्लास में जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं समझाने के लिए आपको, अब तक की क्लास में हमने जो जो मेन बातें हैं केवल मोनोसेक्राइड के बारे में देखा है, कल हम लोग पॉलीगोसेक्राइड के बारे में करेंगे, जरा ध्यान से सुनना है। पॉलीगोसेक्राइड हम कल करेंगे, कोई मॉलिक्यूल वाटर में जाता होगा तो कितने पार्ट में ब्रेक करेगा, कौन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है, टॉलरेंस रेजेंट को कौन इफेक्ट करेगा नहीं करेगा, टॉलरेंस रेजेंट किसको करेगा, BI2 वाटर किसको करेगा, ये सब हम लोग कल देखेंगे। तो आज तक यहाँ तक एनसीईआरटी में देख लेना, कल हम लोग पॉलीसेक्राइड अगर कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से कल हमारा बायोमोलिक्यूल्स खत्म हो जाएगा। अब बायोमोलिक्यूल्स की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं या रिएक्शंस हैं या कुछ भी लिखा हो सब एक जगह मैं ऐसे ही पढ़ाने का लिख दिया करूंगा, ये इंपॉर्टेंट उसको तैयार कर लेंगे आप। फिर हम लोग अमाइन वाले चैप्टर पर पहले काम करेंगे, क्योंकि इस बार जो बच्चों ने पेपर दिया था इसमें ओम सर ने भी खूब नंबर काटा है, या इनफैक्ट मैंने भी काटा है, मैंने देखा है कि 99% बच्चों का अमाइन साइनाइड से बेसिसिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सब क्वेश्चन आया हुआ था, किसी का सही नहीं था, जबकि चैप्टर नंबर 5 हमारे हिसाब से या 4 था या 5 ही है, GOC 2 में जब आप देखेंगे तो बेसिसिटी से हमने डायरेक्ट डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन पूछा हुआ था, और लक्ष्मण सर ने पेपर बनाया था, पेपर बहुत इजी था लेकिन आपके नंबर नहीं आए, तो सर ने हमसे पूछा कि नंबर क्यों नहीं आया, लग रहा है आप लोगों ने ठीक नहीं काम किया, आप लोगों की कहीं गलती रह गई, तो हो सकता है ऑफकोर्स हमारी कहीं गलती रही, हम लोग आपको उतने बढ़िया से कन्विंस नहीं किए, इसलिए इस बार NCERT लेवल हम कोशिश कर रहे हैं ताकि एकदम आपको याद हो जाए तो आप देख लेंगे। तो कल बायोमोलिक्यूल्स यहाँ तक देख कर आएंगे, और पॉलीमर हम लोग नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है, एवरीडे लाइफ अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। अब फर्दर फिर इसके बाद हम माइन सेनेट करेंगे, कार्बोनिल करेंगे, और सेकंड बुक में मैं 2-3 दिन आपको टाइम दूंगा, जो पूछना है पूछ लेना, फिर हम लोग फर्स्ट बुक पे काम करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।